आइए आपका स्वागत है, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेवा रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगी हूँ, महाराष्ट्र में अपना प्रैक्टिस करता हूँ। कभी दूर दूर से हमारे यहाँ लोग आते रहते हैं, थक जाते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर हमारे पास में आते हैं कि चलो भाई आखिरी का भी आपके पास में इलाज करें। फिर हमें भी जरा प्रेशर आता है कि चलो भी आखिरी का इलाज बोल रहे हैं, इतने दूर से आया हुआ है, फिर हमको उसका इलाज करना है, अभी कैसा होगा क्या होगा। तो मैं ऐसे आपको कुछ केस स्टडी बताता हूँ कि जिसमें हमने हमारा पूरा क्लिनिकल ताकत, हमारी पूरा क्लिनिकल जो एक्यूमेंट था, नॉलेज था, पूरा लगा के बहुत उसके ऊपर मेहनत करके पेशेंट को ठीक किया। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो उनको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लगता है कि चलो भाई ये इतने दिन आगे हमारे पास में रहे और हमारा हमारा जो हार्डवर्क था उसका फल हमको मिल गया। आइए आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है केळकर हॉस्पिटल, रामदास पेठ, अकोला। यह हॉस्पिटल भुसावल जो स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है, जंक्शन है, उसके बाद में जो स्टेशन आता है अकोला स्टेशन आता है, अकोला स्टेशन से पैदल पैदल चल के आप यहाँ तक आ सकते हो। मैं आपके सामने एक बिहार का पेशेंट लाया हूँ। बिहार, ये है बिहार मधुबनी, इनका जिला है मधुबनी और स्टेट है बिहार। काफ़ी दूर से आए हैं और इनको बहुत तकलीफ थी, पिछले 2-3 महीने हो गए, एक मिनट भी इनका पेशेंट शांत नहीं रहता था, इतनी तकलीफ थी, पूरा घर परेशान था। और ख्वाज अगर देखें तो बिल्कुल मामूली था, ख्वाज था कुछ तो भी, घर में झगड़े हो गए और झगड़े होने के बाद में बच्चे के दिमाग पे असर हो गया और उसका परिणाम आप खुद इनके जबानी से सुनिए। हाँ बोलिए, कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हो, गांव का नाम आपके? मेरे भांजा का एक्चुअली जो पेशेंट है उनका कटोला है और मेरा मकसूद है। अच्छा, ये मेरा आपका भांजा है? हाँ। ओके ओके, हाँ। तो क्या तकलीफ थी इसको घर पे? ये घर पे मतलब इनको रात में अचानक से ऐसा हुआ कि मेला विला देखने गया था, मेला वाला में आने के बाद अपने घर आया नहीं, फिर एक अपने घर नहीं आके फिर दूसरे के घर में सो गया था। दूसरे के घर में सोने के बाद क्या हुआ, फिर अचानक अपने घर आए और घर में आने के बाद थोड़ा बेचैनी सा लगा इनको, फिर रात में अचानक सोया नहीं। मेला देखने गया था? हाँ। मेला देखने जाने के बाद में घर में आया नहीं उस दिन रात में? हाँ, और वो हाँ। दूसरे के घर पे सो गया था। दूसरे के घर पे सो गया? हाँ। फिर आया, थोड़ा बेचैन लग रहा था, फिर रात में शायद थोड़ा मोरा सोया। अच्छा। बाकी नेक्स्ट नाइट में जो है ये बिल्कुल नहीं सोया और अचानक सा फेंकना उकना चालू कर दिया था, सामान गेहूँ चावल जो होता है घर का, गाँव का तो मालूम है ना कैसा रहता है, वो सब फेंकना उकना चालू कर दिया सारा। फिर हम लोग परेशान हो गए, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो बहुत जन मतलब बोलते हैं ना गांव के, थोड़ा झराने के लिए बाबा के पास लेके जाओ ये वो, हम लोग वो भी करके देखे लेकिन समझ में नहीं आया अपने को। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी रहती है कि जो लोगों को पता नहीं रहती कि ये मेंटल इलनेस है। ये भी अभी बिहार से आया है लेकिन पहले गए कहाँ, बाबा जी के पास में गए, मांत्रिक उपचार दैवी उपचार करने के लिए गए लेकिन वहाँ पे उनको कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर वहाँ से हम उनको दिल्ली में लेके आए और वहाँ से फिर दरभंगा में एडमिट किए थे। दरभंगा में एडमिट करने के बाद एडमिट शायद नहीं लिया था, वहाँ पे दरभंगा लेके गए थे, वहाँ गोलियाँ वगैरह दिया था कुछ का। अच्छा। 5-7 हज़ार का मतलब हुआ था तो शांत हो गया था, लेकिन वो दवा छोड़ने के बाद फिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ। हाँ। और वो जो वहाँ का जो एक्चुअली दवा जो खाता था तो बहुत सुस्त रहता था, वो ना बोलता था ना कुछ ज्यादा सुनता था वो। अच्छा। बहुत मतलब वो अकेला में रहता था, साइलेंट रहता था लेकिन वो बहुत अकेला। पर यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे दवा भी खा रहे थे, थोड़ा बोल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ऐसा वहाँ नहीं था। अच्छा। खाना पीना खाता था घर पे? खाना पीना वो वहाँ पे दवा चला तो फिर ठीक है, फिर उनको दिल्ली में लेके आए, दिल्ली में दवा एक्चुअली घर के आदमी लोग रोक दिए थे तो फिर से ये बीमार। घर के लक्षण आपके दूसरे थे लेकिन यहाँ पे जब लाया तो एकदम वायलेंट था ना वो। हाँ, एक दिल्ली में फिर जो इसका दवा छोड़े तो दिल्ली में जो इतना वायलेंट था मतलब दूसरे को काटना वीटना फेंकना ऐसा हो गया था। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा है यहाँ, और यहाँ पे मतलब सर बोल रहे थे कि मतलब साल भर दवा खाना पड़ेगा, उसके बाद फिर दवा क्लोज हो जाएगी। हॉस्पिटल कैसा लगा आपको? हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा, यहाँ का सर्विस भी अच्छा लगा। अच्छा, स्टाफ कैसा है? स्टाफ भी यहाँ का अच्छा है, टाइम पे आके देखते थे। देखिए, बिहार से आए हैं, खुश है अपने पास में आने के बाद में, और ये उनका पेशेंट है कि जो पेशेंट एक मिनट भी शांत नहीं रहता था। देखिए, उनसे बात करते हैं अपन। बेटा क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार, कौन सी क्लास में जाते हो? फिफ्थ में जाते हो? ऐसा, अभी कैसा फील कर रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है, खाना पीना खाया है आज? हाँ। देखिए कितना प्यारा बच्चा है और आज एकदम अच्छे से बात कर रहा है,
और अपने जो सवालात किए उसका जवाब भी दे रहा है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई पेशेंट है तो उनको लेके आइए, हमारा अस्पताल है रामदास पेट केड़कर हॉस्पिटल अकोला। हमारे यहाँ पे पेशेंट अकेला रखने की भी व्यवस्था है, अगर आप पेशेंट के साथ में नहीं रहना चाहते हो तो हमारे हवाले पेशेंट छोड़ दो, आप निश्चिंत होकर घर पे जाइए और अपने पेशेंट को अच्छा होने के बाद में घर पे लेके जाइए। नमस्ते। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।